आउटसोर्स कर्मचारियों के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राजेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार वादे तो करती है लेकिन उन्हें निभाती नहीं है। आउटसोर्स कर्मियों के मुद्दे पर सरकार विपक्ष को सड़कों पर उतरने को मजबूर ना करे, क्योंकि कांग्रेस शोषित वर्ग के साथ है और उनके हकों की लड़ाई लड़ती रहेगी। डॉक्टर राजेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश में 40,000 के करीब आउटसोर्स कर्मचारी है जिन्हें अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को ठेकेदारी प्रथा के तहत रखा गया है। इन कर्मचारियों के वेतन का एक हिस्सा ठेकेदार हड़प लेते हैं और वेतन भी 3 से 4 माह बाद दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में आयोग है तो ठेकेदारी प्रथा के तहत नियुक्तियां चोर दरवाजे से क्यों की गई है। आज हिमाचल कांग्रेस की तरफ से प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते हमने 40,000 आउटसोर्स कर्मचारियों की बात करी है जो मजबूर है, लाचार है, बेसहारा है और शोषित है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से शोषित, मजबूर और बेसहारा के साथ खड़ी रहती है। आज हमने मुद्दा उठाया है कि जो 40,000 कर्मचारी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कार्यरत हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं, सरकार जल्द से जल्द उनको उनका जायज हक दे जिससे कि वो अपने परिवार का पेट पाल सके। मेरे संज्ञान में लाया गया है कि बड़ी बहुत सारी जगह उनको जो पे बोली जाती है वो उनमें से कुछ मात्रा ठेकेदार के पास चली जाती है, उनको वो पूरा मिलता नहीं है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि एक तो चोर दरवाजे से भर्तियां ना हो, डिफरेंट आयोग बनाए गए हैं उसके मार्फत भर्तियाँ हों और जो कर्मचारी हैं या हमारे जो हिमाचल के युवा हैं जो पढ़ लिख के रोजगार पे लगे हैं उनको जायज हक उनका मिले। जो गलतियां हो चुकी हैं सरकार से, ये गलत रास्ते से नियुक्तियां हुई हैं, इसको सुधारते हुए इनको जायज हक उनका दिया जाए और भविष्य में जायज तरीके से आयोग के माध्यम से नियुक्तियां की जाए।